बीते दिनों आमोद कुमार जो इब्राहिमपुर द्वितीय से भाजपा के पार्षद प्रत्याशी के रूप में उतर चुके हैं मैदान में, उन्होंने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया, सेक्टर 11 स्थित अपने कार्यालय का उद्घाटन किया। उसमें मेयर प्रत्याशी लखनऊ से जो भारतीय जनता पार्टी की हैं संयुक्ता भाटिया विशेष तौर पर आमंत्रित हुई और उपस्थित हुई। साथ ही साथ वीरेंद्र तिवारी जो पूर्व मंत्री रहे हैं प्रदेश के भाजपा के, वे भी उपस्थित हुए। कई कार्यकर्ता भी, स्थानीय कार्यकर्ता भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। साथ ही साथ आपको बताने चले कि इस कार्यक्रम में स्वाति सिंह जो मंत्री हैं इस समय उत्तर प्रदेश सरकार की, वे भी उपस्थित हुई और उन्होंने आमोद कुमार को आशीर्वाद देते हुए ये वचन दिया कि यहाँ के क्षेत्रीय जनों को वचन भी दिया कि अगर आमोद कुमार पार्षद बनेंगे तो निश्चित रूप से विकास होगा। तमाम लोगों के बीच में स्वाति सिंह उपस्थित हुई आमोद कुमार के कार्यालय के उद्घाटन समारोह में। इस बीच क्योंकि स्वाति सिंह ने लोगों को अभिवादन स्वीकार किया और जैसे ही वो कार्यक्रम में पहुंची बड़े और बुजुर्गों को हाथ जोड़कर कईयों के पैर छूकर उनका सम्मान भी किया। कार्यक्रम में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भी कुछ बातें कही। परिवार की बेटी हूँ मैं, बार बार कहती हूँ कि मुझे मंत्री मत बोलिए, मुझे विधायक मत बोलिए, मैं आपके घर के सदस्य हूँ। और वैसे ही आमोद भी आपके घर के सदस्य हैं, ये सभासद नहीं है, आपके घर के बेटे हैं। बेटे को आप पढ़ाइए, आपने अभी तक इस बेटी को पढ़ाया, अब इनको भी पढ़ाइए। हम दोनों मिल करके आपके जो भी काम होंगे बिल्कुल पूरी तरीके से करेंगे, विश्वास दिलाते हैं। और इस बात की, और जब नगर निगम में हमारे परिवार की एक वरिष्ठ सदस्य जब आ जाएगी मेयर बन करके, उसके बाद तो केंद्र में हमारी सरकार, प्रदेश में हमारी सरकार, नगर निगम में मेयर हमारा, विधायक हमारा और सभासद भी हमारा, बचेगा ही नहीं। बस यही तो रहेंगे। हाँ बिल्कुल, मेयर विधायक है। चूंकि नगर निगम के चुनावों का बिगुल पूरी तरह बज चुका है और तैयार हो चुका है मैदान, मेयर से लेके पार्षद तक के प्रत्याशी लगभग मैदान में पूरी तरह कमर कस चुके हैं। हमारे साथ इस बार हैं इब्राहिमपुर द्वितीय के भाजपा प्रत्याशी आमोद कुमार। उनसे हम बातचीत करते हैं कि आखिर किन बिंदुओं के साथ मैदान पर जाएंगे और अब तक क्या प्रामाणिक कार्य रहे जिसके आधार पर इनको वोट मिलेगा। आइए हम बात करते हैं। आमोद जी, आपसे चूंकि पहले ही बात हो चुकी है और लोग आपसे परिचित भी हैं, सब कुछ तो ठीक है, इब्राहिमपुर द्वितीय में किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच जाएंगे, कौन कौन से प्रमुख मुद्दे होंगे इस चुनाव में आपके मुख्य बिंदु, ये मुद्दे होंगे और चुनाव में जाएंगे किन मुद्दों के साथ? मेरा तो सबसे बड़ा पहला कंसेप्ट है कि वार्ड को मैं स्मार्ट वार्ड के दर्जा में लेना चाहता हूँ। जिस प्रकार लखनऊ स्मार्ट सिटी के दर्जे में है तो ये वार्ड भी स्मार्ट वार्ड बनेगा। और सबसे बड़ी ऐतिहासिक एक इंस्टीट्यूट है और इस वार्ड को उस हिसाब से अपेक्षित है। और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे तालाब हैं जो कूड़े के डंप से भरे हुए हैं, उनका सुंदरीकरण कराया जाएगा। बहुत से गांव यहाँ पे बड़े हैं, जैसे सूर्यखेड़ा है, बरौली है, हैबत में महुआ है, जहाँ पे आज भी रोड की स्थिति ये है कि आप अगर चले जाइए तो आप पैदल नहीं चल सकते हैं उन स्थितियों में, क्योंकि अभी तक जो भी यहाँ पे सभासद हुए हैं ज़्यादातर दबंग लोग हुए हैं, पैसे वाले पूंजीपति लोग यहाँ पे सभासदी किए हैं और जो उन्होंने अपने जेब भरे हैं, कहीं भी उन्होंने किसी गांव समाज को देखा नहीं है, वो कभी उन गांव के गलियों में गए नहीं होंगे क्योंकि वो बड़े बड़े फॉर्चुनर गाड़ी और बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों से घूमते हैं। मैं भी ये कोशिश करूंगा कि मैं भी उस गाड़ियों पे जाऊं, लेकिन मेरी भी गाड़ी नहीं जाती है वहाँ क्योंकि मेरे पास भी वैसी गाड़ियाँ हैं। लेकिन मेरा एक सौभाग्य है मैं कि संगठन ने मुझे आदेश दिया कि इस वार्ड में आइए और मेरा घर यहीं पे है और मेरे साथ इस क्षेत्र के बड़े बड़े वरिष्ठ लोग, एलिट जेंट्री हमारे साथ काम कर रही है और वो धरातल पर उतर चुकी है और उनके साथ लग के उनके मार्गदर्शन में मैं इस वार्ड को सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। निश्चित रूप से आपके मुद्दे होंगे कि यहाँ पर जहाँ जहाँ लोगों की नजरें नहीं गई हैं वहाँ पर परिवर्तन किया जाए और स्मार्ट वार्ड बनाया जाए। जी अच्छा, अगला प्रश्न, आपका कार्यक्षेत्र, आपका कर्म क्षेत्र पहले कुछ और था, खरिका द्वितीय लगभग पूरी तरह देखा जाए तो एक प्रकार से इब्राहिमपुर द्वितीय आपके लिए नया है, ये बात सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। नया होने के बाद आपका कार्यालय क्षेत्र यहाँ पर था, निवास स्थान नहीं, ये सत्य है? नहीं, सत्य नहीं है, ये आपको किसी ने गलत फहमी दिया है। मेरा मैंने बताया नहीं कि मैं खरिका वार्ड में पैदा हुआ हूँ, मेरे पास 10 से 12 मकान है और ये आवास मेरे पिछले 5 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ। वो अलग बात है कि यहाँ पे ये सेक्टर 11 जो है एक पॉश एरिया है वृंदावन का, जहाँ
एक मकान वाला दूसरे मकान से मिलता नहीं है, हम लोग के पास भी वर्कलोड इतना होता था कि हम लोग को किसी से परिचय नहीं था, और हम लोग इसलिए यहाँ नहीं बताते थे कि यहाँ किससे बताएंगे तो वो मेरे पास पहुँच नहीं पाएगा। वहाँ एक बच्चा बच्चा मुझे जानता है, मैं छोटे से बड़ा हुआ हूँ, मैं रामभरोसे स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, तो वहाँ हर आदमी जानता है। तो जो आदमी मेरे को जानता है वो भी जानता था कि उनका घर वहाँ पे है, और जो नहीं जानता था उनको भी हम लोग बता देते वहाँ है, क्योंकि वहाँ भी वो सकता है कि घर है। और मैं आपको लड़ने की बात कर रहे हैं तो मैं अपने वार्ड से नहीं, मैं पूरे लखनऊ के 110 वार्ड से चुनाव लड़ रहा हूँ। जहाँ भी कमल फूल खिलाने की कोशिश करूंगा, मैं पूरा अपने भाई को, जो भी प्रत्याशी वहाँ होगा उनको, हमारी मेयर संगीता भाटिया जी को, मैं पूरी तरह जिताने की कोशिश करूंगा। बात मेरा प्रश्न आपसे ये था कि खरिका में आपका कार्य क्षेत्र यहाँ नए हैं, आप प्रमाणिक काम कितने, धरातल पर काम कितने, लोग जनता को चाहिए क्या लगातार उनके बीच में काम करने वाला व्यक्ति, लगातार उनके बीच में रहने वाला व्यक्ति, जो लगातार यहाँ के स्वच्छ भारत का जो मिशन है उस पर काम करने वाला, यहाँ के जनहित के मुद्दों पर संघर्ष करने वाला व्यक्ति चाहिए। आपने, आप नए हैं इब्राहिमपुर द्वितीय में, कितने संघर्ष किए, जरा इन बिंदुओं को बता दीजिए कि इतने बिंदुओं को आपने उठाकर उठाया है कि मैंने इब्राहिमपुर वार्ड जो है, जब मेरा नाम आया तो मैंने इसके परिसीमन की सीमा को देखी। हमारे दादा जी ने उसको मेरे को इनवाइट भी किया था, मैं उस समय सिर्फ इसी सोच में रह गया था कि इतना बड़ा क्षेत्र मैं देखूंगा कैसे। लेकिन अभी आपको मैं बता दूं कि इस क्षेत्र में ज्यादातर कम से कम 80% क्षेत्र आवास विकास ने डेवलप किया है। एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप है जो अभी भी नगर निगम को ये हैंडओवर नहीं हुई है, यहाँ के डेवलपमेंट का काम आवास विकास करता है। और जो यहाँ पे और छोटे छोटे गाँव हैं उनमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है और उन्हीं को फोकस करना है। हमको आवास विकास के एरिया में मुझे नाली और रोड और बिजली पानी नहीं देखना है, क्योंकि जब ये हैंडओवर होगा तब देखा जाएगा। हमको तो वही क्षेत्र देखना है कि इस रुईखेड़ा में कितनी गंदगी है, वहाँ सीवर है नहीं है, नालियाँ बह रही हैं, नाली का पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। तो मेरे से तो बहुत लिमिटेड क्षेत्र है। लगता नहीं आपको, लगता नहीं आपको कि अहमद मवैया जैसे गाँव जाएंगे, ईश्वरीखेड़ा गाँव जाएंगे, आप खलीलाबाद जाएंगे, बरौनी जाएंगे, आपको लगता नहीं कि यहाँ सब नए, आपको चेहरा, आपका चेहरा नया है उन लोगों के लिए, आपका वक्तव्य नया होगा, आपकी भाषा शैली, आपका काम सब कुछ नया है उनके लिए, आमोद कुमार परिचित नहीं है वहाँ पर। देखिए मेरे को कोई संघर्ष करने की जरूरत नहीं, मैं आपको जानकारी दे दूं कि मेरा बचपन खरिका में बीता है, और ये जितने भी अगल बगल के गांव हैं जिनमें एक एससी और उस ओबीसी लोग रहते हैं, उनकी कहीं ना कहीं वहाँ रिश्तेदारी है। वो आज नहीं कल मेरी शक्ल देखते रहते थे, और आप देखिएगा ये बोर्ड के टाइम ही आपको पता चल जाएगा कि उन जगहों पर मेरा रुझान है कि नहीं है, लोग वहाँ मुझे पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं। वो अलग बात थी कि अभी मेरा एक कार्य क्षेत्र अलग था, मैं वहाँ की जनता की बातें सुनता था, और आज ये कार्य क्षेत्र है, मैं पूरे ईमानदारी से उसको भी निभाऊंगा। कल वो क्षेत्र मेरे लिए बात करता था, आने वाले दिनों में ये भी क्षेत्र मेरे लिए बात करेगा। ऐतिहासिक और निश्चित रूप से यही चाहिए, परिवर्तन होना भी चाहिए। आखिरी प्रश्न मेरा आपसे कि अब यदि अब तो चूंकि सब कुछ सच चुका है, आप मैदान पर हैं और निश्चित रूप से मुद्दे आपने क्लियर कर दिए, एक चीज और कि यदि आप पार्षद बनते हैं तो उन मुद्दों के साथ निश्चित रूप से वही काम करेंगे इस तरह से आप आशाएं दे रहे हैं, ये हम पक्का माने कि हाँ निश्चित रूप से विकास जीर्णोद्धार इस वार्ड का होगा बिना किसी लाग लपेट के। सचिन जी आपसे मेरे शायद पहली बार मुलाकात हुई थी और आपने मेरा इंटरव्यू वैसे ही लिया था, और मैंने उस दिन भी दिया कहा था कि मैं राजनीति करने नहीं आया हूँ, मैं राजनीति सब्जेक्ट से पढ़ा हुआ हूँ, राजनीति को शास्त्र की तरह लेता हूँ, राजनीति को एक साइंस की तरह लेता हूँ, और उसके लिए मैंने एक एम बना रखा है, एक लक्ष्य बना रखा है, मेरा यही मंजिल नहीं है, आगे भी बहुत मंजिल है। और ये समाज, ये मेरे कार्यकर्ता, यहाँ के नागरिक, सम्मानित नागरिक जो साथ देंगे वही मुझे आगे तक ले जाएंगे। यानी कि विकास निश्चित रूप से होगा। विकास तो ये तो देश का एक प्रधानमंत्री जी ने एक कंसेप्ट दे दिया है लोगों की सोच बदलने के लिए, उस सोच को बदलने के लिए लोगों को हमारे जैसे आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि विकास की बात तो होती है लेकिन धरातल पे वो उतर नहीं पाता है, क्योंकि धरातल पे जो काम हो रहा है वो होता नहीं है। अमूमन आदमी या तो अपना मैन पावर के पास नॉलेज नहीं होती है, या फिर वो काम करने की इच्छा व्यक्त नहीं करता है। काम सबके पास होता है, आपने भी देखा होगा हमारा सांसद है, हमारा विधायक है, उनकी निधियां वापस हो जाती हैं, क्योंकि क्षेत्र में जो प्रतिनिधि है, जो सभासद है, वो मांगना नहीं चाहता, वो अपने अपने क्षेत्र के लिए कार्य मांगना नहीं चाहता, इस वजह से वो पैसे वापस चले जाते हैं। हम पढ़े लिखे हैं, हमने यही काम किया है, क्योंकि मैं डेवलपमेंट का ही काम करता हूं, मैंने मैनेजमेंट किया हुआ है, और मैं ये इस चीज को मैं जमीन पे उतार के दिखाऊंगा। आप भी यही हैं और आप मेरे मित्र हैं, और कहीं मैं अलग नहीं जाऊंगा। ये निश्चित रूप से विकास होगा। अभी तक जितने लोग मैदान पर हैं उसमें पढ़ाई के क्षेत्र में तो आप सबसे सर्वोपरि हैं, पढ़ाई के क्षेत्र में ये तो बात निश्चित स्नातक है आपका, आपकी पढ़ाई, आपकी डिग्री हो सकता है कि यहाँ के लोगों के लिए लाभकारी हो, लेकिन समय बताएगा वो सब। कैमरामैन अवधेश कुमार के साथ दीक्षित, एंटी करप्शन न्यूज एंड व्यूज।